अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है हुंडई की ग्रैंड आई10। कस्टमर को कंप्लेंट है इसमें ये क्लच पेडल नाइस हो गया था, नाइस कर रहा था, तो हमने यहाँ से इसकी केबल निकाल ली है। ये ऊपर पीछे इसकी केबल आती है, ये वो भी केबल नहीं है इसमें। यहाँ से देखेगा हो, हाँ देखो पीछे वो होल दिख रहा है ना आपको, दो बोल्ड, एक बड़ा होल और उसके बाजू से ये छोटे छोटे होल है ना, तो यहाँ से हमने केबल निकाल ली है। अब ये पेडल तो सही है, लेकिन लगाने के बाद पता चलेगा कहीं इस पेडल में प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि ये पेडल मुझे सही लग रहा है, केबल में ही बस प्रॉब्लम मुझे समझ में आई, तो मैंने केबल निकाल ली है और नई केबल लेके आए हैं। अब उसको नई केबल को लगाना है, तो हम आपको दिखाते हैं नई केबल कहाँ है और कैसी होती है, पुरानी केबल में क्या था, क्या प्रॉब्लम था। थोड़ा थोड़ा टक टक नाइस आ रहा था क्लच पेडल को दबाने पे, हालांकि क्लच पेडल पूरा काम कर रहा था। और ये जो बुश होते हैं ये बुश भी पूरे सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन बुश में। एक बुश ये पीछे होता है पेडल के, टोटल तीन बुश इसमें आते हैं, तो तीनों बोस इसमें सही हैं, फटे हुए नहीं हैं। ठीक है, केबल हमने निकाल ली, अब केबल अपन को नई वाली केबल लगानी है। ये उसकी पुरानी केबल है, अपन ने निकाल ली है, और ये इसकी नई केबल है। ठीक है, अब अपन इसको नई केबल को लगाते हैं, और लगाने के बाद फिट करके देखते हैं नाइस आ रहा कि नहीं आ रहा।